मेरे लिए इसलिए खास है कि फर्स्ट टाइम मैं एक आर्ट एग्जीबिशन होस्ट कर रहा हूँ। आर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, कलेक्ट करता हूँ काफ़ी सालों से, और ये एक मौका मिला। बहुत सम फैबुलस आर्टिस्ट इन देयर जिनका वर्क डिस्प्ले किया गया, सो एंड ऑल्सो टू प्रेजेंट इट टू आर फ्रटर्निटी। अक्सर आर्ट को लेके थोड़ा लोग फील करते हैं कि ज़्यादा हाई सोसाइटी है, हाई फंडा है या कुछ ऐसा। We want to break that taboo. Art is for everybody. It need not be in crores and lakhs. It can be affordable, and it's a wonderful thing. मेरे लिए आर्ट का कोई डेफिनेशन, फॉर मी एवरीथिंग इज आर्ट, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ आर्ट, बट ओवर हियर आर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स ऑन कैनवस, मल्टी मीडिया, मिक्स मीडिया, और डिफरेंट स्टाइल्स हैं, कंटेम्प्रेरी है और बाकी सब है। और ख़ासकर जो मेरे बहुत ही करीबी मित्र और मेरे जो DOP हैं, मेरे कैमरामैन हैं, मिस्टर संजय एफ गुप्ता, उनकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीज भी एग्जिबिटेड हैं, डिस्प्लेड हैं, एंड आई वाज वेरी कीन बिकॉज ज़्यादा लोग ये नहीं जानते कि वो बहुत ही प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, एंड आई वांटेड टू शोकेस हिज वर्क टू एवरीबडी। इस वक्त आज मुझे यहाँ पर एक जो पेंटिंग का सेट है सुनील पौडवाल का, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही महंगा है, तो सोच रहा हूँ। मूवीज आर माई वर्क, दैट्स वॉट इज एट इन द थिएटर्स, बट अगर आप मेरे घर आएँ, इफ यू कम टू माई हाउस, इट्स फुल ऑफ आर्ट, ऑल माई होम्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आई ऑल्सो फर्मली बिलीव मोस्ट ऑफ माई, आई मीन ऑल माई होम्स आर पेंटेड वाइट, एंड द ओनली कलर इन माई होम्स इज द आर्ट ऑन द वॉल्स, दैट्स वॉट आई बिलीव इन। एक खास इसलिए क्योंकि संजय गुप्ता की जो भी पार्टी होती है, फंक्शन होता है, वो मतलब खास तरीके से रखा जाता है, एंड वो अभी एक आर्ट एग्जीबिशन के साथ एसोसिएटेड है। आफ्टर गैंगस्टर मूवीज नाउ आर्ट, आई थिंक इट्स खास ओनली एज एन आर्टिस्ट। आई थिंक इट्स जस्ट माय लव फॉर फिल्म्स, वेदर एज एन एक्टर और अ प्रोड्यूसर और marketer of films, you know, whenever we go promoting our films, I think we just love the art, we love the creativity that goes into making a movie. So isliye as an artist main apne aap ko film se hi associate manunga, not otherwise. I think right now maybe the common man is not accessing the art, lekin I think painters and artists have all kinds, lot of common men are artists now, and that's the way they can become rich. So let's look at it positively in that sense ki shayad wo art khareed nahi sake lekin bech to sakte agar wo acche artist ho. And for sure, I think art ki agar value achhi hogi, to not everyone can have it, but we can aspire to have it, and that could make us work harder and be able to afford it someday. खास इसीलिए है क्योंकि संजय गुप्ता ने मुझे कॉल किया, और संजय एफ गुप्ता के काम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आई थिंक बोथ द संजयस एंड बोथ द गुप्तास आर डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विद आर्ट। आर्ट हमेशा हम सब के लिए, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, इंटरेस्टिंग ही रहता है। So I'm really looking forward to seeing the selection of art and Sanjay F. Gupta's photographs. खैर अब तो शादी हो गई है मेरी, तो वाइल्ड लाइफ तो रही नहीं है, बट जो रियल वाइल्ड लाइफ है उसे काफ़ी इंजॉय करता हूँ। बोथ ऑफ माई वाइफ एंड आई आर बोथ वाइल्ड लाइफ enthusiasts. We like to go out to the sanctuaries, to forest sanctuaries, and see, interact with wildlife. It's lovely. And So yeah, it's good. I don't know, man. I think it's a question I've been asked before, but animals ke saath apna identification jo rehta hai, it depends on how you're feeling that day. You know, some days you might wake up and you feel like a lion, and some days I don't know, if you're in trouble at your house you feel like a cat. My sister is an artist, she paints a lot, and I love her work. For me it's been a very interesting journey, kyunki maine uska uski jo puri journey as an artist rahi hai, uske I've been a part of it from the beginning, and I've seen her grow as an artist. To mere ghar mein bahut sare aise pieces of art hain jo professional artists ke hain, lekin saath mein kuch aise art pieces hain jo mere bahut favorite hain,
मेरे दिल के बहुत करीब हैं, दैट माय सिस्टर्स पेंटेड फॉर मी. सो या, सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट स्पेशल. जी खास इसलिए क्योंकि ये मेरी बहन जो हैं वो आर्ट डीलर हैं और आर्ट क्यूरेटर हैं, उनका एग्जीबिशन है. सो इट्स ऑब्वियसली वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी एंड शी इज़ ऑलवेज बिन वेरी इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड यू नो ग्रेट टू सी हर ड्रीम कम ट्रू. जो आपको छू ले दैट इज़ आर्ट. एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ टचेज यू सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स एन इमोशन इनसाइड यू इंस्पायर्स यू दैट्स आर्ट. मुझे ऐसा बोला गया है कि मैं कभी कभार क्योंकि अपने लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से कभी कभार शेर जैसा दिखता हूँ और मेरी दहाड़ भी काफ़ी ऊंची और जोरदार है तो शेर. Don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.